हेलो दोस्तों, दोस्तों देख रहे हैं, ये जो है टमाटर का पौधा है। मैंने एक भी इसमें कोई सीड्स नहीं खरीद करके लाई, ना मैंने कोई पौधे लेकर के आई हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने ये जो एक पेड़ में कम से कम, मेरे समझ से कम 10 किलो इसमें टमाटर लगा होगा। और फ्रेंड्स, ये इसमें इसके वजन की वजह से चारों तरफ से गिर गिर जा रहा है। मैं बार बार इसको संभाल रही हूँ, इसकी टहनियाँ भी जो हैं टूट टूट जा रही हैं, इतना ज़बरदस्त टमाटर है। और इसमें फ्रेंड्स कोई भी फर्टिलाइज़र मैंने नहीं डाला है। एक मैंने ये जो पत्ते उड़ उड़ करके गिरे हैं आकर के हमारे छत पर, तो उसी का मैंने कंपोस्ट बनाना बताया था कि मैंने नीचे पत्ते भरे थे। वीडियो आपने दे आप लोगों ने देखा होगा, तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने नीचे कंपोस्ट भरी है सिर्फ पत्तों की, और ऊपर से एक लेयर जो है मैंने मिट्टी की लगाई है, तो और किचन वेस्ट से ऊपर से डाल दिया एक आध में, तो वही कहीं से उग आया, तो मैंने उसको उखाड़ा नहीं। देखी फ्रेंड्स, इसमें इतना टमाटर लगा है कि वजन की वजह से सब गिर गिर जा रहा है। और फ्रेंड्स, मेरे साथ अंत तक बने रहें। मैं सुमन कानपुर से, माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में स्वागत है फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब परिवार को। फ्रेंड्स देखिएगा कि कैसे मैं संभालने की कोशिश करती हूँ। संभालते संभालते तो मुझे घंटों लग गया एक पौधे को, लेकिन मैंने कुछ वीडियो को कट कर दिया है, और ये वजन कम करने के वजह से इसकी लीव्स भी मैं काट रही हूँ, क्योंकि इतने इसमें जितनी लीव्स कम हो जाएंगी तो शायद वजन उतना कम हो जाएगा। तो इतना एक तो इतना ग्रीन है इसमें, इतनी पत्तियाँ हरी हैं, तो मुझे और बगल में साइड से एक जो है वैसा लगा है जो बिना खाद का है, मतलब उसमें ग्रीन लीव्स नहीं, तो इसमें पूरी नाइट्रोजन, इतनी नाइट्रोजन इसमें मिला हुआ है, और कार्बन नाइट्रोजन सब कुछ मिला हुआ है इसमें, तो इतनी ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ हुई है टमाटर में। तो फ्रेंड्स, मैं देख करके दंग रह गई, और देखिए मैं संभालने की कोशिश भी कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर के एक भी जहाँ जहाँ मेरी टेरिस में जमा हुआ है मैंने कहीं पर भी नहीं लगाया है। और फ्रेंड्स, मैं इतना और भी कर रही हूँ कि उनको मैं उखाड़ उखाड़ करके फेंक रही हूँ कि जहाँ देखिए वहाँ जंगल की तरह उग जा रहा है। और ये जो है मैंने गमला टूटा हुआ रखा था, इस गमले को, टूटे गमले को साइड से लगा, इसकी मैं कोशिश कर रही हूँ लगाने के लिए कि किसी तरह से ये लग जाए। तो ये देखिए कैसे झुक झुक जा रहा है, गिर जा रहा है। मुझे लगता है कि जब तक इसमें हर वो फर रहे तब तक इनको फरने दें, और इसके बाद में फिर मैं उखाड़ करके इनको लगाऊंगी। फिर अगली साल से मैं इतना यही करूंगी कि इनको अलग से उखाड़ करके अलग से गमला का अपना, क्योंकि इतने हमारे पास गमले हैं ही, तो उसमें गमलों में मैं लगाया करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इतने ज़बरदस्ती से इतनी इसमें लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार गिर रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। और चूंकि मैं अकेले ही कर रही हूँ इसमें, तो देखिए कितना बड़ा बड़ा टमाटर लगा, और काफ़ी टमाटर हमारा टूट भी गया। देखिए इससे गिर जा रहा है, तो मैं परेशान हो गई हूँ। देखिए कैसे टूट टूट के गिर जा रहे हैं ये टमाटर। कल भी मैं लेकर के हमने ले गई थी, बहुत टूटे हुए पड़े थे, तो मैं इनको ले जाकर कैसे डाल दिए, और आज भी काफ़ी टूट रहे हैं इसमें। तो फ्रेंड्स जो है, जब टूट जाते हैं कच्चे कच्चे टमाटर, लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं कच्चे ही उठा ले आई। उठाने के बाद में मैंने कहा धीरे धीरे अपने पक जाएंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि कच्चे टमाटर की भी सब्ज़ी अच्छी बनती है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे नहीं अच्छी लगती, वो अकराती टाइप की रहती है, शायद किसी को अच्छी लगती होगी, लेकिन मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल कच्चे टमाटर की सब्ज़ी। और देखिए मैं इसको मतलब सहारा देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी इसमें वो मेथी भी लगी हुई, वो सारी मेथी मेरी सब बर्बाद हो जा रही है, उसमें टूट टूट के गिर जा रही है, तो मैं मेथी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेथी इसमें नहीं लगी होती तो मैं इसको संभालने की कोशिश नहीं करती। हालांकि मैं अब बांस की लकड़ियाँ मंगा लूँगी जो है, तो उसका सहारा मैं दे दिया करूँगी। वैसे भी टेरेस में खैर हमारे काफ़ी लकड़ी वगैरह हैं, लेकिन फिर भी कितनी भी करें, कुछ भी करें केयर, लेकिन उतना कम पड़ ही जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें बांधने की कोशिश कर रही हूँ कि ऊपर जो जाल बना है तो उसमें अगर मैं बांध दूँ तो 15 दिन तक चल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि धूप निकलने लगी है तो जल्दी से टमाटर पक भी जाएंगे।
और इतना ज़बरदस्त इसमें फरा हुआ है। इस टमाटर का कम से कम आप इसको एक पीस बनाने के लिए टमाटर संभाल करके इसके सीड्स रख लूँगी, तो जो अगले मौसम में बोने के काम में आएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा टमाटर है, इसमें बीज कम निकल रहे हैं, कम बीज वाला टमाटर है ये। और भी हैं, कई एक तरह के हैं, क्योंकि हम लोग मार्केट से लेकर के आती थी बाज़ार से सब्ज़ियाँ, तो कोई किसी तरह टमाटर होता था, कोई किसी तरह वैरायटी होती थी, तो उन्हीं वैरायटियों में देखे टमाटर कैसे गिर रहे हैं, ये जो है पड़े हुए हैं। इनको उठा कर के मैंने रख लिया लालच में, क्योंकि लालच कहते नहीं, लालच इतनी जब मेहनत करते हैं हम लोग तो लालच लगता ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ऐसे बना करके इसको लगा दिया है। अब आप लोग बताएं कि कैसा है कैसा नहीं। जब गिर जाएगा बाद में तो भी हमको इतना वो नहीं है, गिर जाएगा तो गिर जाएगा, लेकिन जितनी मेरी कोशिश थी वो मैंने किया। और जो है मेरी मेथी बर्बाद हो रही थी, मेथी के कारण, चूँकि मैंने देसी मेथी बो रखी है, इसलिए उसका बीज बनाने की वजह से मैं इसको केयर यहाँ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।